अलवर के भिवाड़ी में प्रेमी संग शादी को लेकर जिद कर रही एक युवती की उसी के सगे भाई ने फर्श में सिर को पटक कर उसकी हत्या कर दी। मामला भिवाड़ी के यूआईटी थाना अंतर्गत साखलका गांव का है, जहां यह सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन की हत्या की। असल में युवती जिस युवक से शादी करने के लिए जिद कर रही थी, उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर भाई और बहन के बीच विवाद हो गया, जिससे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। यूआईटी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि साथलका गांव में बनवारी लाल अपने परिवार के साथ रहता है, जो अपने पुश्तैनी गांव सुंदर रोज में किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गया हुआ था। पीछे से घर पर उसकी बेटी पूनम व बड़ा बेटा पवन थे। गुरुवार रात पवन और उसकी बहन के बीच आपस में विवाद हो गया। असल में पवन की दुकान पर विष्णु नाम का एक युवक काम करता है, जिसके प्रेम संबंध पूनम से हो गए थे। पूनम और विष्णु आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन विष्णु का परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। इसको लेकर पवन अपनी बहन को काफी बार समझा चुका था, लेकिन वह मान नहीं रही थी। गुरुवार रात फिर से इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और पवन ने अपनी बहन का सर फर्श पर देकर मारा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पवन ने अपने रिश्तेदारों और परिजनों को फोन करके हत्या की जानकारी दी। आज पुलिस परिजनों के आने पर मौके पर पहुंची और शव को भिवाड़ी सीएससी में रखाया। वहीं हत्यारे भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथलका इलाके में बनवारीलाल प्रजापत है, इनका परिवार रहता था। इनके घर पर कोई फंक्शन था, इस सुंदरोज रेवाड़ी के पास रहने वाले वहाँ गए हुए थे। घर पर केवल उनकी बेटी पूनम और उनका बेटा 24 साल का जो है पवन थे, दोनों भाई बहन थे। रात को पवन ने फोन करके बताया कि मैंने मेरी बहन का मर्डर कर दिया है। मालूम चला, मौके पर गए कि भाई घर रात से बंद है। सूचना दी थी दूध बेचने वाले ने कि साहब रात को मेरे पास इस तरह का फ़ोन भी आया था और अब जो है वो घर बंद है, चल करके देखो। उसने रात को घर वालों को भी फ़ोन करके बताया था कि मैंने मेरी बहन का मर्डर कर दिया है। रिश्तेदारी में सब जगह उसने बताया था। नहीं, दोनों भाई बहनों में उसने टोकाटाकी करी बहन को, बहन ने मना किया तो उसने बाल पकड़ करके और जो है जमीन पर 5-7 बार मारा तो उसके सिर के और मुँह के जो गंभीर चोट आई।